छात्रों और युवा लोगों से मिलना जुलना मुझे हमेशा आह्लादित करता रहा, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही पढ़कर यहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि मैं एक मजदूर परिवार से आता हूं, जमशेदपुर टाटा स्टील में हमारे पिताजी काम करते थे, फिर मैं भी बाद में काम 15 साल टाटा स्टील में काम किया। और हमारी परिवेश एक गरीबी परिवार के कारण सरकारी स्कूल में पढ़कर ही हुई है। उड़ीसा के भविष्य के बारे में ऐसी आशा और विश्वास तब कई गुना बढ़ जाती है जब मैं आपके जैसे विद्यालय में आता हूं। वो अपने आप में एक क्रांतिकारी स्वप्न का परिणाम है, जिसका उदय भारत की आजादी के आंदोलन की परीक्षा की कड़ी धूप, तकलीफों और उथल बीच के हुआ था। तो आज के इस प्लेटिनम जुबली के सुअवसर पर मैं आप सभी शिक्षा प्रेमी के साथ साथ इस स्कूल प्रबंध समिति और सभी बच्चे बच्चियों और इस जिला के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संस्था ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे समाज के पिछड़े वर्ग से हो या उच्च वर्ग से संबंध रखता हो, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के पहले स्थापित इस विद्यालय को स्वर्गीय चंद्रशेखर प्रधान, स्वर्गीय बालुकेश्वर प्रधान, स्वर्गीय नटवर प्रधान, स्वर्गीय भास्कर चंद साहू, स्वर्गीय गोपाल अली खां, स्वर्गीय कानू चरण महंती द्वारा लगाया गया छोटा सा पौधा इन 75 वर्ष में एक विशाल वृक्ष के रूप में ले चुका है और यह निरंतर फल फूल रहा। उड़ीसा के सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने के लिए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस विद्या की मंदिर को 42 एकड़ जमीन दाता स्वर्गीय अंतर्यामी प्रधान श्रीनिवास प्रधान, कनक प्रधान, नारायण प्रधान को श्रद्धांजलि देते हुए इस विद्यालय को फलने फूलने में जिन्होंने सक्रिय योगदान दिया, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की अहमियत सबसे ऊपर है, क्योंकि शिक्षा मानव जीवन का अमूल्य निधि है, ज्ञान का धरोहर है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का अमर ज्योति है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक तथा वातावरण शिक्षा के चार अटूट स्तंभ है, इसीलिए विद्यालय को मंदिर कहते हैं। हम सब इस मंदिर में दिया जलाने के लिए आए। आपके इस कार्यक्रम में सोम भारत सरकार के शिक्षा मंत्री उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को सुवृद्ध किया है। आज का दिन छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय के लिए एक स्मरणीय दिवस है। इस अवसर पर मैं विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय से उत्तीर्ण होकर राज्य और देश हित में काम करने वाले पुरातन विद्यार्थियों को भी उनकी सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ माता पिता अभिभावकों को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अभिनंदन। शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य की अंतरहीनता पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर 2020 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास, कौशल, संस्कार और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का महत्व
पाठ्यक्रम को अधिक गुणवत्ता पर जोर देती है। आदरणीय मोदी जी, छात्र आधारित नीतियों से कई बड़े बदलाव किए हैं। देश में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और हम सभी भारत रत्न मिसाइल मैन भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम जी के शब्दों को मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने बच्चों को ये सलाह दी थी कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये शब्द हमारे युवाओं को नया सोचने और कुछ करने की प्रेरणा देता है। बच्चों को भी मेरी सलाह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट राह पर मत चले, सही रास्ता चुने, कठोर परिश्रम करें, बड़ी सोच रखो और उसको पाने के लिए मेहनत करो। आज चाहे विज्ञान हो, खेल हो, या उद्योग हो, वाणिज्य हो, या व्यापार हो, हर क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति का बोलबाला है। आज का भारत विश्व के विश्वास का भारत है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा में 49% बच्चे बच्चियां हमारे ड्रॉप आउट होते हैं। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, इस जिले के चाहे प्रदेश के सभी अधिकारी, समाज के सभी तबके को एक जिम्मेदारी है कि हमारा जो उड़ीसा जो 49% ड्रॉप आउट होते हैं, तो हमारा उड़ीसा में ड्रॉप आउट शून्य हो, इसके लिए भी हमें जन जागरण करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें विकसित उड़ीसा बनाना, अगर हमें विकसित भारत बनाना, तो शिक्षित उड़ीसा बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा में भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए। अमूनन लड़कियों में ही 5वीं, 6वीं, 8वीं तक जाने पर ड्रॉप आउट की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि गांव में लोग सोचते हैं बेटी को पढ़ा के क्या फायदा, बेटी तो शादी होके दूसरे घर जाने वाले हैं। लेकिन एक बेटी आपकी पढ़ती है तो दो घर को संस्कार प्राप्त होती है। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी तो ससुराल में अगर कोई ऐसी बात भी हो जाए तो अपने जीवन को संवार सकती है। और इसीलिए मोदी जी ने देश को आह्वान किए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटा और बेटी में कोई फर्क ना करते हुए हमारे उड़ीसा में ये जो 49% जो ड्रॉपआउट का जो कलंक है, एक कलंक को समस्त उड़ीसा वासी मिलकर आने वाले एक वर्ष के अंदर उड़ीसा राज्य ड्रॉपआउट बच्चे की संख्या शून्य हो, ये शिक्षा का वातावरण बनाने की भी मैं आप सबसे अपील करता हूं। चंडीपाड़ा उच्च विद्यालय के विद्यार्थीगण विकसित भारत बनाने में चढ़कर योगदान देंगे। आप अपना गांव, अपना विद्यालय, अपना राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, यही मेरी इच्छा और विश्वास है। विद्यालय का उत्तर मंगल कामना करते हुए आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए वंदे उत्कल जननी, वंदे मातरम। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।